साहस स्वरूप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। लखनऊ के हजरतगंज स्थित लेवाना होटल में आग लग गई। इस आग में कई लोग झुलस गए। इस आग से एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई, पर अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये आग कैसे लगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लखनऊ के लेवाना होटल में लगी भीषण आग, धुएं के गुब्बारे में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, खिड़कियों को तोड़कर लोगों की बचाई गई जान। हादसे में चार लोगों की हुई मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। लखनऊ के होटल लेवाना में सोमवार की सुबह भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि होटल हजरतगंज में स्थित है। आग में कई लोग बुरी तरह से झुलस गए। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और खिड़की तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। खबर है कि होटल में लगी आग से एक महिला समेत चार लोगों की बुरी तरह से जलकर मौत हो गई, पर अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आग कैसे लगी। तो वहीं इस घटना के दौरान बचाव कार्य में भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां होटल में लगी आग के कारण उठ रहे धुएं के गुब्बारे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बड़ी मुश्किलें आ रही थी। और बताया जा रहा है कि होटल में 30 रूम थे, जिसमें से 18 बुक थे। उनमें 35-40 लोगों के रहने की संभावना जताई गई। हालांकि उसमें से कुछ लोग सुबह ही निकल गए थे और कुछ लोग जो फंसे रह गए उन्हें बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद जिन लोगों को बाहर निकाला गया उसमें से कुछ लोग होटल के कमरे में ही बेहोश हो गए थे, जिन्हें भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सभी घायलों को पार्क रोड स्थित सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम मरीजों का हाल जानने सिविल अस्पताल पहुंचे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम रिनेश पाठक भी लेवाना होटल पहुंचकर और हादसे के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। होटल में आग लगी है और उसमें दो लोग हताहत हुए हैं और 7 लोग घायल होकर के सिविल अस्पताल लाए गए हैं। उनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और जो दो लोग हताहत हुए हैं उनके परिवारों को सूचना भेज रहे हैं और जो यहाँ घायल हैं उनको भी हम सूचना परिवारों तक भेज रहे हैं और पूरी केयर सरकार करेगी। घटना की हम उच्च स्तरीय जाँच कराएंगे और जो भी दोषी होगा लापरवाही का उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। दरअसल लखनऊ के होटल लेवाना स्वीट्स में लगी आग की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। लखनऊ मंडल की मंडलायुक्त रोशन जैकब और पुलिस कमिश्नर SB शिरोडकर को जांच से जल्द रिपोर्ट शासन को देने का आदेश दिया गया है। तो वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC ने होटल से संबंधित फाइलें तलब की है। तो उधर लखनऊ के DM सूर्यपाल गंगवार ने लेवाना होटल अग्निकांड पर बयान दिया है और कहा है कि अगर किसी भी लापरवाही या संलिप्तता संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। डिस्चार्ज कर दिया गया है, 7 लोग अभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और उन 7 लोगों में किसी को बर्न इंजरीज नहीं है, सिर्फ धुएं की वजह से प्रॉब्लम है खतरे से बाहर। वेंटिलेशन की स्थिति यहाँ पर प्रथम दृष्टया पुअर प्रतीत हो रही है। इसमें जो भी टेक्निकल दोष होंगे उनकी पूरी समीक्षा करके जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की। सुबह ही हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल, बलरामपुर हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर, आपने देखा होगा साइट के ऊपर बलरामपुर हॉस्पिटल की भी एम्बुलेंसेज हैं, सिविल हॉस्पिटल की भी एम्बुलेंसेज हैं और ट्रॉमा सेंटर की एम्बुलेंसेज हैं। इसके अलावा 108 और ALS एम्बुलेंसेज भी हमारी डिप्लॉयड हैं। मैं पैरामेडिकल और चिकित्सा कर्मियों के यहाँ पे अभी सिविल में भर्ती हो रही हैं और सबका इलाज पूरी तरह से यहाँ का प्रशासन देख रहा है। चिकित्सालय में 10 लोग आए हैं जिसमें अपुष्ट सूचना है कि एक दो की मृत्यु हुई है, जो कि चिकित्सालय प्रशासन से कभी पुष्ट करा के। इस मामले में
कहा जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से बीते दिनों लिवाना होटल को नोटिस भी दिया गया था। बावजूद उसके होटल प्रबंधन ने रसूख के आगे ना नोटिस सिर्फ नोटिस तक ही रह गई और इसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि इस घटना में किसका दोष निकलता है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। दिस रिपोर्ट प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।